हेलो जी नमस्ते, मैं हूँ अन्वेषा मुखर्जी। आप देख रहे हैं सिंपल टिप्स अन्वेषा। अगस्त का आ गया है महीना, सही टाइम है। अगर आपने वेट लॉस अभी तक स्टार्ट नहीं किया है, ये परफेक्ट टाइम है, क्योंकि फेस्टिव सीजन आने से पहले आपको एटलीस्ट 2-3 महीने बॉडी को देना ही पड़ेगा। वैसे आज की जो वीडियो है ना, आज हम डिस्कस करेंगे एक वेट मेंटेनेंस के। देखिए, हर महीने मैं वेट लॉस के डाइट प्लान ले आती हूँ, बट द चैलेंज दैट कम्स इज बहुत लोग अपना वेट लूज कर लेते हैं, उसके बाद उसको मेंटेन नहीं कर पाते। मेंटेनेंस इज इक्वली इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट आफ्टर वेट लॉस। मैं आपको कुछ रामबाण टिप बताऊंगी टू मेंटेन योर वेट फॉर एवर, एंड आई कैन टेल इट विद गारंटी, क्योंकि मैंने खुद अपना वेट 7 ईयर्स से मेंटेन किया है। येस, आई लॉस माई वेट इन 2017 इन माई लेट 20s। इफ यू आर एन ओल्ड फॉलोअर, यू नो द एंटायर ड्रिल। एंड तब से लेके जब मैंने वेट लॉस किया था आज तक, मेरा वही वेट रेंज रहता है, एंड आई एम टर्निंग 35 नाउ। और अगर आपको सस्टेनेबली अपना वेट लॉस डाइट स्टार्ट करना है मेरे गाइडेंस में, आप नीचे लिंक पर रजिस्टर कर सकते हो। मी एंड माई टीम मेट विल हैप्पीली टेक यू अप ऑन वन एंड हेल्प यू ट्रांसफॉर्म। कोई क्विक फिक्स वगैरह चाहिए तो आप मेरे पास प्लीज मत आइए, क्योंकि प्लीज। बट इफ़ यू रियली वॉन्ट टू लूज वेट एंड अडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल सस्टेनेबली, देन कम एंड ज्वाइन माई प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट टिप नंबर वन टू मेंटेन वेट इज, गाइज, मेंटेन योर मसल मास। माने हम जैसे 30s के होते, पोस्ट 30s, मिड 30s, पोस्ट 40s, वी स्टार्ट लूजिंग आवर मसल्स, जिसके वजह से आप देखेंगे बहुत लोग हैं जो पतले हो गए, बस थुलथुले हैं, बस पतले हैं, कोई शेप नहीं है। दे डोंट लुक गुड व्हेन दे वेयर अ ड्रेस, दे डोंट फील गुड व्हेन दे वेयर अ ड्रेस, बट पतले हैं, मसल मास है ही नहीं बॉडी में। इसलिए डेफिनेशन आपको बस एक चीज देगी, वो है मसल। सो फोकस ऑन बिल्डिंग स्ट्रेंथ, हेल्दी वेट में मेंटेन करना वो इम्पॉर्टेंट है, बट उसको एक शेप देना। देर इज ओनली वन थिंग दैट कैन गिव यू शेप, एंड दैट इज मेंटेनिंग योर मसल मास, डेवलपिंग सम मसल। आप बल्कि नहीं होगे, आप मर्द नहीं बनोगे। इट्स बीन 7 ईयर्स दैट आई हैव बीन वेट ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, बेसिकली सिंपल डम्बल्स, बारबल्स, केटलबेल्स के साथ। दैट विल गिव यू दैट शेप, दैट टोन, जो लुक होता है ना, वो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ देती है, और वो है आपकी मसल। सो यू हैव टू इनकॉर्पोरेट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इन योर जर्नी, स्पेशली व्हेन यू आर मेंटेनिंग योर वेट। मेरे लिए हमेशा से कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, योगा, दीज थ्री कॉम्बिनेशन हैव ऑलवेज प्लेड अ इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि मेरे लिए हमेशा ये था कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई स्ट्रेंथ, माई एंड्योरेंस, माई स्टेमिना, माई फ्लेक्सिबिलिटी, माई मोबिलिटी। आई लव वर्किंग आउट, फॉर द 7 ईयर्स दैट आई एम वर्किंग आउट, मेरे शायद हार्डली कुछ दिन होंगे कि मैंने वर्कआउट एकदम स्किप किया है। मुझे याद ही नहीं है ऐसा कोई लंबा टाइम हुआ है जब मैंने कोई वर्कआउट नहीं किया है। इवन व्हेन आई ट्रैवल, इफ देयर इज सम जिम आई विल गो, अगर जिम नहीं है आई गो फॉर अ जॉग, यू नो, अगर ट्रैवल करने गई हूँ आई गो फॉर लॉन्ग वॉक्स, समथिंग। आई एम ऑलवेज एक्टिव, बिकॉज मुझे लगता है हम जैसे ब्रश करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट करते हैं डेली, वैसे हमें एक्सरसाइज या एक्टिविटी कुछ करना चाहिए। मैंने ऐसे एक्सरसाइज, फॉर मी एक्सरसाइज इज प्रॉपर ट्रेनिंग, ओके, वॉकिंग इज एक्टिविटी। पार्ट नंबर टू, योर गट हेल्थ। योर गट हेल्थ इज द की, मतलब आपको ब्लोटिंग, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, एसिड रिफ्लक्स, ये नहीं होने चाहिए। अगर ये क्रॉनिक है, कभी कभी हो रहा है, चलता है, बिकॉज एवरी डेज आर नॉट सेम, पर अगर क्रॉनिकली ब्लोटेड हो, क्रॉनिकली कॉन्स्टिपेटेड हो, तो ना गर्ड, यहाँ पर आपको जलन हो रही है, एसिड रिफ्लक्स हो रहा है मॉर्निंग उठ के, नो, यू हैव टू गेट इट फिक्स्ड फर्स्ट। आपको उस पर फोकस करना ही है। यू हैव टू नो योर फूड इंटॉलरेंस। वो पनीर सूट नहीं होता, बहुत लोगों को दही सूट नहीं होता, मिल्क सूट नहीं होता, बहुत लोगों को ओट्स मिल्क तक सूट नहीं होता, बहुत लोगों को एग सूट नहीं होता, चिकन नहीं होता, फिश नहीं होता। आपको अगर अपना इंटॉलरेंस नहीं पता है, विल हैव टू नो वॉट इज ट्रिगरिंग योर गट। अनलेस एंड अनटिल यू नो दैट, आप हमेशा ब्लोटेड रहोगे। तो वो फूड इंटॉलरेंस समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर मेंटेन करना है, यू कैन नॉट बी क्रॉनिकली ब्लोटेड। यू हैव टू गेट योर वेट लॉस, मेंटेन योर वेट ओनली व्हेन यू आर नॉट ब्लोटेड। नेक्स्ट पॉइंट, यू हैव टू बी क्लियर। मैं ये हमेशा कहती हूँ, मैनिफेस्टेशन इज अ की। मैनिफेस्टेशन माने योर गोल हैज़ टू बी क्लियर। जैसे मैं 2017 में, माई हैवीएस्ट वॉज 67-68 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो मैं ना, आई लॉस माई फर्स्ट 10 kgs इन अ गुड स्पैन ऑफ 4 मंथ्स, 3.5 to 4 months, या फर्स्ट 10 kgs। बट फॉर मी लूजिंग 10 kgs वॉज इम्पॉर्टेंट, द टाइम वॉज नॉट, ठीक है। मुझे ये था कि मैं ये प्रोसेस को ऐसे अपने लिए एन्जॉयबल बनाऊंगी, ताकि मैं सस्टेनेबली इसको लूज भी करूं और मैं आगे इसको मेंटेन कर पाऊँ। आई एम अ गर्ल हु लाइक्स टू ईट, आई एम अ गर्ल हु लव्स टू ट्रैवल। घूमती रहती हूँ मैं, यूरोप जाती हूँ, इधर उधर, मुझे घूमने का बड़ा शौक है।
इसका मतलब आई वॉन्ट टू एन्जॉय माई लाइफ. वेन यू आर आउट एक्सप्लोरिंग कल्चर्स ट्रैवलिंग, इसका मतलब यू हैव टू ईट आउट एंड आई वॉन्ट टू ईट. मुझे जब वेट लॉस करना है आई शुड अंडरस्टैंड वन थिंग, पोर्शन कंट्रोल एंड वेयर माई गट नोज कि नाउ आई एम फुल. ये अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी हो गई कि अभी आपका गट बोल रहा है नहीं भाई तू फुल है, अगर आप वहाँ पर रुक गए तो आप लाइफ लॉन्ग कहीं भी जाओ कहीं भी घूमो आप रुक जाओगे, आप ओवर ईट नहीं करोगे. इसके लिए आपको ट्रेन करना होगा अपने आपके माइंड को अपने बॉडी को वेन टू स्टॉप ओवर ईटिंग. 80% हेल्दी 20% इंडल्जेंस, ये लाइफ लॉन्ग आप अगर प्रिंसिपल फॉलो करोगे यू विल बी सॉर्टेड. एंड जस्ट बी हैप्पी विथ योर सेल्फ. यू हैव टू लव योर सेल्फ वेन यू आर योर हैवीएस्ट, यू हैव टू लव योर सेल्फ वेन यू आर एट योर लीनेस्ट एंड थिनेस्ट. एंड येस दिस इज ऑल्सो ट्रू दैट थिन डज नॉट मीन हेल्दी, फैट डज नॉट मीन अनहेल्दी. A lot of my clients are heavier but they are very toned, very healthy and they are losing inches and have muscles. So sabka body type alag hai. If you feel healthy here 100% of the job is done. Overeating ko stop karna train karna hi padega. Dekhiye hum sabko pata hai what is healthy food, what is unhealthy food, what is a healthier snack, what is an unhealthy snack. Aapko agar maintain karna hai weight to aap healthy snack ko bhi overeat nahi kar sakte. Last tip I will give you is you should know how to balance your plate. आप घर पे खाते हो, बाहर खाते हो, रेस्टोरेंट में खाते हो, किसी के घर पे खाते हो, ट्रैवल करते हो. अगर आपको बैलेंसिंग ऑफ प्लेट आ गया आर्ट तो मेजॉरिटी टाइम इवन इफ यू ईटिंग सम चीट मील आउटसाइड यू विल नो हाउ टू बैलेंस. सो 1/4 प्लेट शुड बी योर कार्बोहाइड्रेट, रोटी राइस मैंने यहाँ पर डाल भी ऐड किया है. 1/4 शुड बी प्रोटीन एंड 1/2 प्लेट शुड बी योर ग्रीन वेजिटेबल्स एंड सैलड. एंड यू शुड नो हाउ टू शेयर डेजर्ट्स एंड शेयर योर फूड. अगर आप शेयर कर पाओगे आप वेट गेन नहीं करोगे. फॉलो दिस टिप्स, दिस इज ऑलमोस्ट हाउ आई मेंटेन माई 17-18 केजीज वेट लॉस फॉर 7 years. एंड आई एम 49-50 का रेंज मेरा रहता है, यही मैं 67-68 मेरा मैक्सिमम था. सो दिस इज माई रेंज, दिस इज हाउ आई हैव मेंटेन्ड इट. एंड ये टिप्स आपको इतना हेल्प करेगा आई स्वेर गाइस. मैं अगस्त का डाइट प्लान लेके आ रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून फॉर दैट विद अमेजिंग रेसिपीज. एंड या इफ यू वॉन्ट टू जॉइन माई प्रोग्राम डेफिनेटली रजिस्टर. And transformation is zaruri, not just physically but mentally also, to achieve weight loss and to sustain that weight. It is not going to be an easy job guys, and especially it is said that the best time to start your weight loss journey was yesterday or maybe 10 years back for some people. But if you have not done that yet or you did not do it then, the best day to start is today, okay? So the best date, you should not wait for Monday, next month, new week, new year, you should start. ठीक है, अगर आप ज्वाइन नहीं भी करना चाहते हो किसी का प्रोग्राम, पैसे नहीं है, अरे मेरे इतने कंटेंट हैं, मैं इतने सालों से इतना कंटेंट रेसिपीज वर्कआउट वगैरह इतना दे चुकी हूँ, आप देख के आसानी से आराम से कर सकते हो वेट लॉस. थोड़ा सा बस मेहनत करना पड़ेगा बिना पैसों के, फ्री का वीडियोज़ है, देखो वेट लॉस करो. एंड या आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो विद ऑगस्ट डाइट प्लान.